कहें तो मैं शेर ये भी पढ़ना चाहता हूँ कि मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। बात यूं भी कही जा सकती है और शेर यूं भी कहा जा सकता है कि बच्चे जवान हो गए अब छोड़ दो शराब, बच्चे जवान हो गए अब छोड़ दो शराब। अल्लाह तो करीम है औलाद से डरो, अल्लाह तो करीम है औलाद से डरो। मैं हजरत गिरामी आज के अहद में एक शायर अपने कलाम के साथ जिन जिन मजामीन को अपनी शायरी का मौजू बनाता है, मैंने शराब के उनवान पर ये तीन चार शेर आपको इसलिए सुनाए कि एक ऐसे कलमकार को आपके बीच पेश करना चाहता हूँ जो शौक के एतबार से नहीं लेकिन अपने ओहदे के एतबार से इस महकमे से बहुत करीब से जुड़े हैं। जिला आबकारी अधिकारी के तौर पर जनाब अनुराग मिश्र साहब, गैर उनका तखल्लुस है, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं, आबकारी अधिकारी हैं। जाहिर है कि उनके करीब बैठकर भी आदमी को नशा हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आपकी जोरदार तालियों की गूंज में मोहतरम अनुराग मिश्र जी को आवाज दूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। सदरे महफिल आली जनाब जज साहब, तमाम शोरा हजरात, सामईन हजरात, एक गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूं, इजाजत होगी तो मतलब और पेश करूंगा। मुझको कब तक गुलाम रखोगे, मुझको कब तक गुलाम रखोगे, मेरा सर अपने नाम रखोगे। मुझको कब तक गुलाम रखोगे, मेरा सर अपने नाम रखोगे, जानता हूँ तुम्हारी फितरत में, जानता हूँ तुम्हारी फितरत में सामने खाली जाम रखोगे। वाह वाह वाह, जानता हूँ तुम्हारी फितरत में सामने खाली जाम रखोगे। क्या कहना, मुस्कराओगे बज्म में लेकिन, वाह मुस्कराओगे बज्म में लेकिन दिल में तुम इंतकाम रखोगे। वाह मुस्कराओगे बज्म में लेकिन दिल में तुम इंतकाम रखोगे। मतलब क्या कहना, पांव के छालों पे पानी डाल जा, पांव के छालों पे पानी डाल जा, आके मुझ में फिर रवानी डाल जा। पांव के छालों पे पानी डाल जा, आके मुझ में फिर रवानी डाल जा। चुप है सब चौपाल पनघट देर से, चुप है सब चौपाल पनघट देर से, आके इसमें चुप है सब चौपाल पनघट देर से, आके फिर उनमें कहानी डाल जा। चुप है सब चौपाल पनघट देर से, आके फिर उनमें कहानी डाल जा। अब पूछते हैं सब गैर का अर्थ मुझसे, क्या कहना, पूछते हैं सब गैर का अर्थ मुझसे, आके मुझ में कोई मानी डाल जा, आके मुझ में कोई मानी डाल जा। बहुत शुक्रिया मोहतरम अनुराग मिश्र साहब, गैर हमारे बीच में अपना कलाम पेश कर रहे थे, बहुत ही संजीदा लबो लहजा। मैं इसके लिए मोहतरम मिश्र जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। संजीदगी के साथ अपनी बात कहना आसान महसूस होता है लेकिन इतना आसान नहीं होता जितना आसान हमें लगता है। अनुराग मिश्र ने जिस संजीदा मजामीन को जिस तरह से बड़े सलीके के साथ अपने कतात और अपने गजलों का हिस्सा बनाया, यकीनन उन्हें मुबारकबाद देने का जी चाहता है।